जिला हमीरपुर में बॉडी मसाज थेरेपी की मशीनें बेचने वाली एक कंपनी पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने 9,93,000 जुर्माना ठोका है। एक्साइज विभाग की जांच में बॉडी मसाज मशीनों के स्टॉक में भारी अंतर और टैक्स की अदायगी नहीं होने का खुलासा हुआ है। ये कार्रवाई हमीरपुर जिला के गांव बरोटा निवासी सेवानिवृत्त हेड मास्टर ज्ञानचंद शर्मा की शिकायत पर हुई है। ज्ञानचंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी को शरीर में जोड़ों की शिकायत थी, भी हमीरपुर स्थित बॉडी मसाज कंपनी के थेरेपी केंद्र में आए। कुछ दिन तक निःशुल्क थेरेपी के बाद केंद्र के संचालक ने दंपत्ति से कहा कि उन्हें घर से केंद्र के बीच दूरी के चलते आने जाने में परेशानी होती होगी, इसीलिए आप कंपनी की मशीन खरीद लो। ज्ञानचंद ने केंद्र संचालक के कहने पर 2,25,00,000 रुपए की मशीन खरीद ली, लेकिन घर पर रोजाना व्यायाम करने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हुई। ज्ञानचंद शर्मा ने अपने आप को ठगा सा महसूस होने पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और सहायक आबकारी एवं कराधान आयोग हमीरपुर के कार्यालय में शिकायत दर्ज की है। आरटीआई का जवाब देते हुए हमीरपुर एक्साइज विभाग के मसाज केंद्र को सही बताया। इस पर ज्ञानचंद ने जिला मंडी स्थित संयुक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय में आरटीआई से जानकारी मांगी। जांच में पाया कि मसाज केंद्र के संचालक ने मशीनों के स्टॉक में सही जानकारी नहीं दी है और टैक्स भी नहीं चुकाया है। इस पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने 9,93,000 रुपए का जुर्माना केंद्र के संचालक को ठोका है। उधर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर कुलभूषण गौतम ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मंडी स्थित संयुक्त आयुक्त एक्साइज कार्यालय में आरटीआई की अपील की थी। उन्होंने बताया कि विभाग ने मसाज केंद्र के संचालक को 9,93,000 रुपए का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। वो देखने के बाद मुझे ये लगा भी चलो ये मशीन पर जो ये ट्रीटमेंट देते हैं तो इस मशीन पर ट्रीटमेंट देने से शायद मुझे फायदा हो जाए। फिर मैं इनके सेंटर में गया, सेंटर में मैं कुछ दिन ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन वैसे ट्रीटमेंट देते थे थोड़ा आधा घंटा, तो आधा घंटा इन्होंने कहा पे आधे घंटे से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप मतलब मशीन खरीद लो। बहुत प्रेशराइज किया, बहुत आदमियों से इन्होंने मुझे मोटिवेट कराया और प्रेस किया और प्रेस करने के बाद इन्होंने बोला भाई एश्योरेंस दी भाई सतैया आप ठीक हो जाएंगे, आप मशीन ले लो, घर में आप कंटिन्यू इसकी एक्सरसाइज करते रहो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन जब तक मैं मतलब कोई 6-7-8 महीने तक मैं कंटिन्यू करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। और फिर मैं इनके पास आया और इनके पास आने के बाद मैंने उनको इनको बोला कि देखो आपने एश्योरेंस दी थी और एश्योरेंस देने के बाद आपने ये जो मशीन दी है इसकी आउटपुट मुझे नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये मशीन वापस ले लो। तो मशीन वापस लेने के लिए इन्होंने बोला कि 1,00,000 रुपया हम आपको दे देते हैं, आप अपनी मशीन जो है अपनी मशीन हम ले आते हैं और यहाँ इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन्होंने मुझे कैश मेमो दिया है, वारंटी कार्ड दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन बिल नहीं मुझे इन्होंने दिया है। फिर मुझे इस बात का मुझे डाउट पड़ गया कि अगर इन्होंने बिल नहीं दिया है तो बिल के बगैर इन्होंने हो सकता टैक्स ना दिया हो। तो मैंने फिर टैक्स की खोज भी की कि ये मेरे बिल का टैक्स जो है वो अदा किया है तो किस सोर्स से किया होगा। फिर मैंने चिट्ठी लिखी सुपरिटेंडेंट पुलिस को और इसी तरह इनको एक्साइज वालों को कि इस तरह मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे इतना नंबर बिल है, इतने नंबर बिल के मुताबिक आप इस एजेंसी की वेरिफिकेशन करो, एफिलिएशन करो कि कौन किस संस्था से एफिलिएटेड है, क्या इनका क्या हिसाब किताब है कि इन्होंने कोई 200 खुद ही बोलते हैं कि हमने 200 मशीन बेची है। तो 200 मशीन अगर इन्होंने बेची हो तो 2 करोड़ रुपया इनके पास ब्लैक मनी है, जो कि ब्लैक मनी गवर्नमेंट को निकलवाना चाहिए। वो ना तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में गया, ना वो इनकम के रूप में गया, वो इनकी जेब में पड़ा हुआ है या कर्मचारियों की अधिकारियों की जेब में पड़ा हुआ है। तो वो निकलना चाहिए, वो तभी निकल सकता है अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे आदमियों का चिट्ठा जो है वो कलेक्ट करे कि किन किन आदमियों, कई आदमी ऐसे मिले मुझे उनको ना रसीद दी है ना उनको बिल दिया है, तो उनकी तो ब्लैक ही बिकी। तो ये ब्लैक का धंधा है सारा, ये ब्लैक मार्केटिंग है।